दोस्तों एक नवी वीडियो आई है सामने। देखो इन्हां बाबा जी ने की किया, बहुत वधिया गल्लां कहियां ने इन्हां ने, ते डेरे ब्यास दा भी नाम लिया। बाकी इस वीडियो दे लास्ट विच इन्हां ने मैनेजर साहब किया वा, इसका मतलब यह डेरा जगमाल वाली तो बिलोंग करते हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। बाकी जे किसी दोस्त नूं इन्हां बारे पता होए, जे ओह दसना चाहुंदा होवे तां कमेंटां विच दस सकदा। तां आओ सुनदे हां इन्हां दी स्पीच। सत्संग ना ये ब्यास वाले ने सत्संग किया बड़ा जबरदस्त है। इंग्लैंड जाके सत्संग किया, उदो मैं पढ़िए रहा, कैश्ट मेरे को आई सी, बड़ा जबरदस्त सत्संग है ये, 40 मिनटा का, पौने घंटे का जान के। ये बाबे फरीद की सारी कहानी वो सारी दसी है कि किस तरह बाबा फरीद भगती दे विच लग्या, कि पहले माता जी उन्हां दी नमाज पढ़िया करती सी मसला बछा के, तो बाबा फरीद बच्चा ही होंदा सीगा, कि जो ए बैठा होंदा सी कॉलेज पा के सकर ते नमाज मसले ते थले दे दिंदी सी, जो नमाज खत्म होंदी ते वह शक्कर दिंदे उसनू, लालच नाल भजन करदा भी खुदा ए नमाज पढ़न दे नाल खुदा शक्कर दिंदा, रखदी सी उहदी मां भी बच्चा लालच दे नाल भगती करूगा। इस तरह काफ़ी देर चलता रहा, बच्चा लालच के हिसाब में बैठता रहा। एक दिन माता पेक्या घर चली गई, पेक्या घर चली गई तो हुण बाबे फरीद ने नमाज पढ़नी सी मसले ते बैठ के, ते माता नूं ख्याल आया भी शक्कर तो मैं रखा करती सी, हुण उस दे पा दी तो शक्कर भी खुदा ही रखता है, अज उहनूं शक्कर नहीं मिलनी क्यों मैं रखती सी, तो अज शक्कर ना मिली तो वह विश्वास खत्म हो जूगा भी मेरी माँ ही रखा करती सी। उन्हें खुदा मन करीम अगे बेनती की, ए मेरे मालक, ए मेरे सतगुर, जिमें शक्कर पहले ही मिलया करती सी उस तरह मेरे बेटे को शक्कर अज मिलनी चाहिए है। जो नमाज खत्म करके बाबा फरीद खड़ा होया, जो मसला चक्या तो उम जिमें शक्कर उम जिमें पई, हूँ उन्होंने तो तसली से भी हाँ खुदा मन खुदा ही रखता, तो रखती सी माता। तो ये कहानी बाबा जी वो मैं कैश दे सुनी सी, है जी। तो देखो जिन्या भी माता हुई जितने भी फकीर बने ये माता की भगती दे नाल ही बने, माता की भगती नाल, माता के संस्कारां नाल, माता ने उन्होंने ऐसी शिक्षा दी संत बने। उन्होंने माता ने बई बार बार करवान जाइए, लख लख बार करवान जाइए, ऐसे माता ने भगतों को जन्म दिता। बाबे फरीद की कहानी ये काफ़ी लंबी चौड़ी कितों तक जाके पहुँचा, फिर बाबा फरीद 12 साल घरों निकल गया, तपस्या की, जिन्हें शरीर के कपड़े पा के गया सब पट गए। एक बारी कहिंदे इतिहास दे विच कहिंदे आ भी भगती कर रहा सी, ते चिड़ियाँ आ के ची 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 करन लग गईआं, उस भगती दे विच खड़न पैंदा सीगा, उन्हां दे मूँह चो निकल गया चिड़ियों मर जाओ, तो कहिंदे चिड़ियाँ उत्थे ढेरी हो गईआं, उत्थे मर गईआं। हुण बाबे फरीद दा बड़ा दिल कोमल सी बच्चा वर्गा, भी बल्ले 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 मैं तो बड़ा जुल्म होया, बड़ा पछताया, हथ बन के बेनती की, ऐ मेरे मालक मैं तो बहुत गुनाह हो गया, अके ऐ चिड़िया उड़ जाओ, एना आके चिड़िया उड़ गईआं। कहिंदे वाह भाई वाह कमाल है, मैं रब बन गया, कि नच पिया उतों चल पिया, मेरी भगती पूरी हो गई। तो रस्ते च आ रहा है घर की तरफ, तो रस्ते च उन्हें प्यास ने बड़ा सताया, बड़ी प्यास लगी है, अगे बीबियां कुएं ते पानी भर रही ने, बाबा फरीद बेटियां नूं कहे बेटा पानी पिया, उन्होंने एक नहीं गल सुनी, पानी डोल ले जांदियां, भरदियां डोलू डोल ले जांदियां, भरदियां डोलू कि बेटा पानी थले डोल ले जांदियां है, फिर पानी तो पिला। वो कुड़ी कहन लगी पिछे हो के खड़ जाओ, ये चिड़िया नहीं है भी मर जाओ, चिड़ियों उड़ जाओ। वो तो प्यास वो बुझ गई सी, यार लड़की नूं कैसे पता लग्या कि मैं पति परता, मैं गुरु वाली हाँ, मैं नुगरी नहीं हाँ बाबे फरीद की तरह। क्या कमाल है, बड़ी चोट लगी, जदों 20-30 डोलू डोलते आ जा बाबा पानी पी लै, बाबे की प्यास तो पहले ही बुझ गई सी, पानी पीता कि बेटा ये गल दस भी पानी तू जमीन ते डोल रही है,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੋਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ 50 ਕੋਹ ਦੂਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਐਨੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਵਾਂਗੂ ਨੁਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਪਤੀ ਵਰਤਾ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਅਜਮੇਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਲਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਏ ਰਾਮ ਜੀ।